आई द सरपंच एज ए कास्टिंग बोर्ड, कास्टिंग बोर्ड को राउंड करो, सरपंच को राउंड करो, कास्टिंग बोर्ड को राउंड करो। ठीक है, कास्टिंग बोर्ड का मतलब होता है डिसीजन बोर्ड या निर्णायक मत, मिला? ठीक है, डिसीजन बोर्ड या निर्णायक मत। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसा उस गांव का पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग, अभी हम लोग इम्पोर्टेंट नोट में पढ़ेंगे कि एज पर पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए यही आपका पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर बना। क्लियर है? राज्यसभा के हेड को कहा जाता है चेयरमैन। ठीक है, दैट मीन सभापति। चेयरमैन और सभापति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लोकसभा में जो रूल रेगुलेशन चलाते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। इस वर्ड को लिखेंगे क्योंकि ये यूज मैं कर रही हूं टाई के लिए, वोट टाई के लिए। पॉल साइंस में तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जनरली क्या होता है कि ये लोग अपना वोट नहीं डालते। चेयरमैन कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कहां पर? राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा में जो रूल रेगुलेशन चलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पीकर। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि आप हाफ मेंबर ने बोला कि नीतू मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही, 50 मेंबर हो गया, ठीक है, बायकॉट हो गया, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही। 50 मेंबर ने बोल दिया या 50% ने बोल दिया ये अच्छा पढ़ा रही है। ठीक है, अब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि खराब पढ़ा रही हूँ इसका डिसीजन कौन लेगा? ठीक है, अगर ये बात तो होगी बिल्कुल टाई पर। अब टाई कंडीशन पर अगर ये वोटिंग टाई लोकसभा में होगा